हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ एंस एनर्जी। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, रास्ते में एक छोटा सा मार्केट लगता है जो कि ये है, और आगे ये रोड पहाड़ मंदिर की ओर जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, जो ऊपर में है पहाड़ मंदिर थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये रास्ता वहीं का है। राहुल भाई के लिए हम लोग दुकान पर रुके थे कुछ सामान लेने के लिए। और फ्रेंड्स, ये है ओवरब्रिज, जो कि हम लोग इस ओवरब्रिज का मजा लेते हुए एकदम जाते रहे, जो कि आपको एंस एनर्जी जाने के लिए कम से कम 30 से 40 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, ये रास्ता बाईं ओर कटता है, उसके बाद फिर सीधा जाते रहो। बगल में एक पेट्रोल पंप था, देख सकते हो, इंडियन ऑयल का। और ये रास्ता तो ऐसा सुनसान की पूछो मत, मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे ये रास्ता कहीं हमको दूर लेके जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो सामने में हम लोग पहुंच चुके एंस एनर्जी, और यहाँ पे गेट पे शायद कुछ चेक इन वेकिंग होता है, जो कि हम लोग अपना सामान यहाँ पर रख के उसके बाद फिर चेक इन करवाने के लिए अंदर गए थे। तो जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ आए यहाँ पर, और हमारा जो भी सामान था तो उनको खोल के दिखाने के लिए बोले, तो हम उनको दिखा रहे थे सामान अपना। आप लोग जो कुछ भी लेके अगर जाते हैं अंदर में, तो ये सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से अंदर लेके आ रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, ये सब यहाँ दिखाना ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग को छोड़ दिया गया, तो हम लोग अंदर आए, और अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। और ये था बस स्टैंड अंदर का, और बगल में एक पेट्रोल पंप था। और फिर यहाँ हम लोग खाना वाना खाए थे, जो कि हम लोग को 1 बजे लंच छुट्टी होता है। और ये बाहर से कैंटीन देख सकते हो आप लोग, कुछ इस प्रकार है। और फ्रेंड्स, देख सकते हो वहाँ कुछ बंदर लोग थे, तो मैं सोचा वो लोग का भी थोड़ा सा क्लिप ले लेता हूँ। और फिर अंदर का जहाँ हम लोग काम करने जा रहे थे, वहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो।